पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में खुफिया एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। सिंगर की हत्या का मुख्य आरोपी माने जाने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड को आईबी ने कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया है। बराड पर भारत में हत्या, आपराधिक साजिश, अवैध हथियारों की आपूर्ति जैसे कई मामले दर्ज हैं। इसी साल 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की जान ले ली गई थी। जिस समय ये वारदात हुई, मूसेवाला अपनी थार जीप में सवार होकर कहीं जा रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में 4 शूटर गिरफ्तार हुए हैं, वहीं 2 एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मूसेवाला कांड में सारे निर्देश कनाडा में बैठा गोल्डी बराड ही दे रहा था। आईबी की टीम तभी से गोल्डी बराड के पीछे लगी हुई थी। बराड के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा था। माना जाता है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला पर हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। पंजाब में अपना उगाही रैकेट चलाने के बाद बराड कनाडा से ही अपना हिट स्क्वाड और बिजनेस चलाता है। गैंगस्टर पर भारत में हत्या समेत कई संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक बराड को 20 नवंबर या इससे पहले हिरासत में लिया गया था। हालांकि गोल्डी की गिरफ्तारी के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश कनाडा में रहकर रची थी। घटना को भारत में उसके साथी लॉरेंस बिश्नोई ने अंजाम दिया। बराड और बिश्नोई के बीच की कड़ी गोल्डी का चचेरा भाई गुरलाल बराड था, जिसकी 11 अक्टूबर 2020 की रात हत्या कर दी गई थी। इसके बाद गोल्डी ने 18 फरवरी 2021 को भाई गुरलाल की मौत का बदला लेने के लिए पंजाब के फरीदकोट में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह की हत्या करवा दी थी। इसके बाद वो पढ़ाई वीजा पर कनाडा चला गया। वहीं से वो जराइम की दुनिया का सिंडिकेट चला रहा था। गोल्डी बराड के पकड़े जाने पर मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर उसे गिरफ्तार किया गया है तो उनके लिए बड़ा अचीवमेंट है। उन्होंने गोल्डी बराड को जल्द से जल्द भारत लाकर सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार गोल्डी को भारत लाकर उसका नार्को टेस्ट कराए। हालांकि उन्हें पूरी तरह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उसे भारत लाया जा सकता है, क्योंकि ये काफी पेचीदा कार्रवाई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।